गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको गिलोय का काढ़ा बनाना बताऊंगा। गिलोय एक जड़ी बूटी है जो डेंगू में और कोरोना में या मलेरिया में काम आती है। इसका काढ़ा पीने से या डेंगू मलेरिया या फिर कोरोना वायरस जो है जैसी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। गिलोय का अगर हम काढ़ा डेली पिए तो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी और ये एक जड़ी बूटी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनती है। तो इसके लिए मैंने एक गिलोय ले ली है, इसका छिलका उतार के मैंने इसे काट के रख दिया है। अब हमें इस गिलोय को पीसना होगा, तो मैं इसे पीस लूँगा। मैंने गिलोय को अच्छे से पीस लिया है। अभी मैं इसको निकाल लूंगा। तो हमें इसमें 2 कप पानी डालने हैं और जब ये पानी 1 कप हो जाएगा तब ये पीने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब हमें गिलोय को इस पानी में डालना है और इसे बॉईल करना है। तो इसे मैं बॉईल करता हूँ। तो यहाँ पर ये बॉईल हो रहा है और यहाँ पर ये ऊपर थोड़े झाग सा आएगा। पहले वो झाग आएगा, फिर वो झाग खत्म हो जाएगा, मतलब सारा चला जाएगा। तब हम ये मैंने यहाँ 2 कप पानी का डाला है। जब ये 1 कप हो जाएगा तब ये पीने के लिए रेडी हो जाएगा। गैस को बंद कर देना है। अब इसे उबलने देते हैं जब तक ये 1 कप ना हो जाए। तो यहाँ मैं चुटकी भर नमक डाल रहा हूँ इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये उबलना शुरू हो गया है। और तो ये देखिए, ये हाफ बच चुका है। तो अब मैं इसे छान लूँगा और अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ और इसे छान लेता हूँ। फायदे ये है कि हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और हमें स्वस्थ रखता है। आप भी बनाइए और कोरोना से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो फ्रेंड्स, ये काढ़ा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे पी लूँ। तो आप भी इसे बनाइए और पीजिए और कोरोना से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए। गिलोय का काढ़ा आप भी पीजिए और स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचे रहिए।